अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। इस चैनल पे यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें जो यूनिट 5 है दैट इज़ कॉल्ड करिकुलम स्टडीज़, वो टॉपिक चल रहा है। तो आज जो है इस टॉपिक में से हम डी पोर्शन करने वाले, क्योंकि हर एक जो यूनिट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो जो इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं डी पार्ट, राइट। करिकुलम स्टडीज़ जो है टॉपिक है, उस डी पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे। बेसिकली जो डी पार्ट है वो करिकुलम चेंज से रिलेटेड है। बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो कवरअप हो चुके हैं, तो उसको देखते रहिएगा आप। एंड जो आज हम कवरअप करेंगे वो करेंगे हम करिकुलम चेंज से रिलेटेड, जिसका टॉपिक है मीनिंग एंड टाइप्स करेंगे, फैक्टर्स दैट अफेक्ट करते हैं हमारे करिकुलम चेंज में, एंड जो अप्रोचेज हैं उनके बारे में, एंड द होल सिलेबस जो भी हम इसमें कवरअप करेंगे वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो बने रहिएगा एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट जो है वो है करिकुलम एंड उसका चेंज, मतलब मीनिंग क्या है, क्यों हम ये पढ़ना चाह रहे हैं और क्यों हम पढ़ते हैं। सो चेंज क्या है, एक प्रोसेस होता है, हमेशा आपको पता ही है चेंज एक प्रोसेस के थ्रू चलता है और सोसाइटी में लाना भी बहुत ज़रूरी है। चेंज इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द फिनोमिना इनटू समथिंग डिफरेंट, यानी कि किसी फिनोमिना को किसी चेंज, मतलब चेंज आप समझते हैं ना, जैसे एक मिल्क को आप चाय में कन्वर्ट कर देते, तो समथिंग ट्रांसफॉर्मिंग फिनोमिना है, जिसमें आप किसी भी रेट से करते हैं, कोई स्केल मतलब अगर आप घटा बढ़ा सकते हैं किसी डिग्री, राइट, उसके बाद कॉन्टीन्यूटी परफॉर्मेंस, तो ये इस तरीके से जो है चेंज आता है, माइनर चेंज आता है, मेजर चेंज आता है, लेकिन सोसाइटी में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से हमारे करिकुलम में अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी नीड्स चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। करिकुलम चेंज इन सिंपल टर्म्स प्रोसीड थ्रू फर्स्ट सेलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के। अगर हम चेंज करिकुलम में लाते हैं तो हम किसी में भी चेंज ला सकते हैं, चाहे हम उसके एम्स के बारे में बात करें अकॉर्डिंग टू द नीड, अगर आपको लगता है कि एम्स चेंज होने चाहिए, गोल्स जो है वो चेंज होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स चेंज होने चाहिए, तो किसी भी वे में जो है करिकुलम में चेंज आ सकता है। या सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा बच्चों को एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, कोई नया टॉपिक है, जैसे अभी COVID-19 है, आने वाले जो हमारा करिकुलम होगा उसमें COVID-19 जो हमारा है उसके पूरा आपको एक चैप्टर मिलेगा इसके बारे में कि किस तरीके से ये आपदा आई थी और किस तरीके से लोगों ने इसके साथ डील किया, क्या वैक्सीन क्या, ये सब कुछ अब आप साइंस टॉपिक में देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द नीड हमारे करिकुलम में चेंज आएगा और आता है। सिलेक्शन ऑफ कॉन्टेंट, जैसे मैंने आपको COVID-19 का एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि किस तरीके से जो है इसका हमारी पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ा, कैसे लोगों को समझ में आया कि एक आपदा किस तरीके से आपको जो है डिसबैलेंस कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, कोई भी लर्निंग एक्सपीरियंस को आप ऑर्गेनाइज किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से मेथड को यूज़ करेंगे और किस तरीके से इवैल्यूएशन करेंगे, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, एनी अदर जो भी मेथड्स हैं, किस तरीके से आप उस लर्निंग एक्सपीरियंस को इवैल्यूएट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द करिकुलम चेंज। उसके बाद अगर हम चेंज के बारे में बात करते हैं तो चेंज इनकॉर्पोरेट्स द एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स, इनोवेशन अडैप्टेशन करना इज अ प्लान्ड फिनोमिना, मतलब कि चेंज क्या होता है, आपको एक्सेप्ट करने के लिए कहता है कि जो भी सोसाइटी में एक नई घटित हुई है उसके साथ आप अपने आप को इनकॉर्पोरेट करके उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो बेनिस थे 1967 में हैज इनलिस्टेड द 7 टाइप्स ऑफ चेंजेस विच इज़ कॉमनली फाउंड इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कहा ये 7 चेंजेस का आना तो आना ही है, बनता ही है। सबसे पहले जैसे उन्होंने कहा प्लान चेंज, प्लान चेंज का मतलब होता है अपने कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक नई मशीनरी इंक्लूड करना चाहता है, तो ये प्लान चेंज है। फिर इंडोक्ट्रिनेशन चेंज हो गया, कोरेसिव चेंज हो गया, टेक्नो यानी कि टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप चाहते हैं कि कोई चेंज आए, राइट, तो उसके ऊपर बेसिस है ये, यस। तो इंडोक्ट्रिनेशन चेंज हम बात कर रहे थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, कि एक्सेप्ट द चेंजेस विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन टू देम, कोई क्वेश्चन किए बिना आप उनके जो चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। फिर आता है कोरेसिव चेंज, यानी कि अथॉरिटी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली चेंज लाता है। टेक्नो यानी कि टेक्नोलॉजी वाइज चेंजेस आते हैं। उसके बाद है इंटरैक्शनल, यानी कि कोई इंटरैक्शंस के थ्रू, क्यूमुलेटिव यानी कि टाइम टाइम जो है चेंजेस आते हैं, एंड नेचुरल चेंज, जो नेचुरली चेंजेस अकर होते हैं। तो ये जो बेनिस थे उन्होंने बताया कि ऐसे 7 टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं जो एक आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स क्या है, जैसे जॉन मैकनेल ने कहा कि देर आर 5 टाइप्स हैं यहाँ पे,
ठीक है, कि जिसके अकॉर्डिंगली आप चेंज देख सकते हैं. लाइक अगर फर्स्ट है सब्सटीट्यूशन, यानी अगर कोई चेंज ऐसा है जो आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, सब्सटीट्यूट कर देते हैं. इन दिस टाइप ऑफ चेंज वन एलिमेंट इज सब्सटीट्यूटेड बाय द अदर. जैसे कोई वन कोर्स है, कोई यूनिट है जो नहीं समझ में आ रही है या रेलिवेंट नहीं है, तो आप उसे रिप्लेस कर देते हैं विद दी अनदर वन. सो ये जो चेंज है वो करिकुलम के अकॉर्डिंग चेंज है, कि किसी चीज़ को आप सब्सटीट्यूट में डाल देते हैं या उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लेते हैं. इफ सम मटीरियल या कॉन्टेंट आइटम प्रोसीजर इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द एग्जिस्टिंग मटीरियल एंड इज अडोप्टेड, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ऑल्टरेशन. ठीक है, उसमें ऑल्टर किया गया है कि अगर आप कोई बेसिक कॉन्सेप्ट को इन बिटवीन ऑफ द करिकुलम, इन बिटवीन ऑफ द सेशन आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको ऑल्टरनेशन बोला, यानी कि वो भी एक करिकुलम में चेंज लाना हुआ. ठीक है, फिर है पर्टर्बेशन, यानी सम चेंजेस व्हेन इंट्रोड्यूस्ड डिस्टर्ब द प्रोग्राम फॉर सम टाइम, यानी आप कुछ टाइम पीरियड के लिए जो प्रोग्राम है, यानी कि जो आपका एजुकेशन चल रहा है, उसको चेंज कर देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं, एंड देन उसके बाद दे गेट एडजस्टेड और अडॉप्टेड इन टू द प्रोग्राम, और फिर उसको फिर से एडजस्ट करते हैं दोबारा कुछ चेंजेस ला के. तो एक तरीके का जो ये चेंज है उसको पर्टर्बेशन कहते हैं. ठीक है, फोर्थ वन है रीस्ट्रक्चर कर देना, कि दीज चेंजेस लीड टू मॉडिफिकेशन ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ. जैसे एग्जाम्पल दिया है कि टीम टीचिंग आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, या कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग है, इवेलुएशन है, तो दिस तरह का चेंज रीस्ट्रक्चरिंग कहलाता है, कि कोई कॉन्सेप्ट को आप टीम टीचिंग के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, कि जैसे करिकुलम में दिया हुआ है कि दिस मेथड शुड बी ऑन बेस्ड ऑन लेक्चर मेथड, बट आपको लगता है कि बच्चा लेक्चर मेथड से नहीं समझेगा, तो आपने जो है ऑन द स्पॉट चेंज लाने की कोशिश की है, तो रीस्ट्रक्चर किया है आपने. सो यहाँ पे जो है इस स्लाइड में हमने चार टाइप्स पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूट कर देना, ऑल्टर यानी कि ऑल्टरेशन कर देना, पर्टर्बेशन है, रीस्ट्रक्चरिंग है, एंड द लास्ट वन इज़ वैल्यू ओरिएंटेड चेंज, कि दिस चेंज बेसिकली ब्रिंग्स अ शिफ्ट फ्रॉम वंस फिलोसफी और बेसिक आइडियोलॉजी टूवर्ड्स a particular auricular prescription or orientation. So most of them who resist should adjust with that change. कि वैल्यू ओरिएंटेड चेंज का है, कि वैल्यूएबल चेंजेस को लाना भी बहुत ज़रूरी होता है और उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है. टीचर्स हु कैन नॉट एडजस्ट विद देयर वैल्यूज टू द चेंजेस मे नॉट बी रिटेन्ड फॉर लॉन्ग. जो टीचर्स इनके साथ चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, वो ज़्यादा टाइम तक वर्क नहीं कर पाती है. इसीलिए कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एक पर्सन को चेंज होते रहना चाहिए. पर्सन को, क्योंकि पर्सन चेंज होगा, उसकी एक्टिविटीज चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, तो वो उस सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज वो उस सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उस सोसाइटी से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा. चलिए, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि हमारे करिकुलम में होने वाले चेंजेस को अफेक्ट करते हैं. सो बेसिकली किसी की फिलॉसफी है, या कि कोई फिलॉसफी आपकी, देखिए आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि एक ऐसी फिलॉसफी जो कि मार्केट में बहुत ही पीक पे है, उनकी जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुँचाई जा रही है, लोग उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, तो उससे सोसाइटी में चेंज आने की संभावना होती है. जैसे देखिए, Does the school have a well-defined philosophy? Is it accepted by the teachers? What contradictions are there between philosophy and practices? तो ये philosophy है, कई बार स्कूल से अपनी philosophy को follow करते हैं, and teachers have to follow of them. So teacher को, students को वो follow करना पड़ता है. So sometimes अगर उन्होंने अच्छे से follow कर लिया है तो वो survive करेंगे, otherwise वो difficulty में आ जाएंगे. सो यहाँ पे जो मेन जो टॉपिक है वो है फिलॉसफी. सेकेंड है, व्हेन वाज द स्कूल लास्ट इवैल्यूएटेड बाय द आउटसाइड ग्रुप, कि वो जो आउटसाइड ग्रुप से कब इवैल्यूएट किया गया है, ये आपके करिकुलम चेंज को अफेक्ट करेगा. वर देयर एनी की रिकमेंडेशंस दैट वर नॉट एक्टेड अपॉन, और ऐसी कोई ऐसी रिकमेंडेशन है जो कि फॉलो नहीं कर पाई है तो भी हमारे करिकुलम को अफेक्ट करेगा. नाउ थर्ड पॉइंट हैज द स्कूल पार्टिसिपेटेड इन एजुकेशनल इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट. के क्या कभी जो स्कूल है वो एजुकेशन में होने वाले जो इनोवेशन प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया है? डज द स्कूल स्टाफ पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में स्कूल पार्टिसिपेट करता है? सो ये ऐसे चेंजेस हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं कि अगर आपका स्कूल प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो उसमें चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड नीड.
What provision is made for suitable equipment, facilities and instructional aids? What evidence is there of poor articulation? ठीक है कि कौन कौन से ऐसे जो है एविडेंस मिले हैं कि poor articulation है, poor results आ रहे हैं. And then to what extent are administrative and supervisory practices democratic in nature? So ऐसी कौन सी practices है supervisory या administrative दोनों ही जिनका nature democratic way में है. So these are the factors जो कि हमारे curriculum को affect करते हैं. कुछ phases हैं लाइक सबसे पहले जो जो चेंजेस हैं जो फर्स्ट है वो है प्लानिंग, फिर देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड देन उसके बाद इवैल्यूएशन. तो ये तीन जो हैं चेंजेस के बारे में बात हुई है. चलिए एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले प्लानिंग फेज पे क्या बात हुई है कि हमेशा से एक नीड होती है हमें करिकुलम कमेटी की जो कि इसको स्टडी करेगा, रिपोर्ट करेगा, प्लान्स बनाएगा. इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट्स इन करिकुलम चेंज, ये इस प्लानिंग फेज में हमें ज़रूरत होती है बच्चों की, टीचर्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, ताकि वो मिल के करिकुलम को डिज़ाइन कर सकें. रिव्यूइंग ऑफ करिकुलम इज द फर्स्ट फेज ऑफ करिकुलम चेंज. येस, जब आपको चेंज लाना है तो सबसे पहले आपको रिव्यू करना पड़ेगा करिकुलम को. उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ करिकुलम शुड बी रिव्यू बाय द कमिटी टू आइडेंटिफाई द एरियाज जहाँ पर ज़रूरत है चेंज लाने की, जहाँ पर आपको चेंज करना है उसके ऑब्जेक्टिव्स में, उसके एक्सपीरियंसेस में, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में. सो सबसे पहले जब भी आप प्लान करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको रिव्यू करना पड़ेगा करिकुलम को. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू गेट द व्यूज ऑफ स्टूडेंट्स एंड एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड. एंड फिर आपको क्या चाहिए, यू हैव टू गेट द व्यूज, आपको विचार चाहिए जो चेंज लाना है उसके प्रति, क्या स्टूडेंट का नज़रिया होगा, क्या टीचर्स का नज़रिया होगा, क्या एक्सपर्ट का नज़रिया होगा कि क्या वो चेंज लाना है, मतलब क्या इस चेंज की ज़रूरत है. तो उसके लिए आपको पूरा होल सेशन रिव्यू करना पड़ेगा. ठीक है, फिर उसके बाद आपको और क्या चाहिए, आपको एक करिकुलम कमेटी भी चाहिए जो आपकी सारी चीज़ को करेगी, रिव्यू करेगी, स्टडी करेगी. सो उसके लिए एक कमेटी बैठाई जाएगी जो इन सब चीज़ों को रिव्यू करेगी. राइट, इम्प्लीमेंटिंग फेज होगा कि वंस द करिकुलम फाइनलाइज हो गया है, ठीक है, जो भी चेंजेस लाने थे वो फाइनलाइज हो गए हैं, उसके बाद मॉडिफिकेशन जो भी था वो कर दिए गए हैं, उसको फिर इम्प्लीमेंट कर दिया गया बाय न्यू फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, न्यू कंटेंट एरिया, मेथड्स, जो भी चेंजेस लाने थे इन सब में वो. तो बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग फेज जो होता है वो क्या है, यहाँ पे बिहेवियरल चेंजेस लाए गए हैं, बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आया है एज एक्सपेक्टेड बाय द इम्प्लीमेंटेशन के, जो हमने करिकुलम रिव्यू करके जो इम्प्लीमेंट किया है उसका मेन मकसद है बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस लाने. नाउ द लास्ट वन इज इवेल्युएशन. इवेल्युएशन जो मेथड है, प्रोसीजर है, आर मेड एट प्लानिंग. प्लानिंग फेज पे डिसाइड हो जाता है सब कुछ, लेकिन इस फेज पे हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि जो मेथड हमने यूज़ किया है वो कितना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाया है. इवेल्युएशन मस्ट बी यूज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग. ठीक है, कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको मॉनिटर करने के लिए इवेल्युएशन किया जाता है. एंड टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, या कितने हमने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है और कितना हमारा जो टीचिंग मेथड है, लर्निंग मेथड है, वो इम्प्रूव हुआ है. इम्प्लीमेंटिंग द प्लान ऑफ चेंज, प्लान ऑफ चेंज को इम्प्लीमेंट करना करिकुलम में, रिक्वायर्ड अ सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ द कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवेल्युएशन, कि जो भी प्लान ऑफ चेंज हमने इम्प्लीमेंटिंग फेज में डाला है करिकुलम में, वो उसका कितना अच्छा डेवलपमेंट हमारे कंटेंट में आया है, कितना लर्निंग एक्सपीरियंस में, कितना इवेल्युएशन, इन सबको क्या किया जाता है, जज किया जाता है. देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी मेड यूज व्हेन चेंजिंग अ करिकुलम, जब हम जब चेंज लाते हैं करिकुलम में तो कुछ प्रिंसिपल्स का हमें ध्यान रखना होता है. Changes occurs within the institution and in the participants of change. In the participant के अंदर change लाना, institution के अंदर change लाना, basically यही सब है. So यहाँ पे अब हमने cover up किया है phases, right? Phases के बाद हम देख सकते हैं what are the sources and what are the forces of curriculum change. क्या force है यहाँ पे, जैसे political change आता है, जब policies में change आता है, politically wise change आता है, तो उसका effect हमारे education पे भी पड़ता है. क्यों? क्योंकि जो private है, जो public education institutions होते हैं, basically funding पे जो है reliable करते हैं. तो जब अगर political system अच्छा है तो वो education को अच्छे से अच्छा donate करेगा, अच्छे से अच्छे funds देगा,
अच्छी अच्छी एजुकेशनल पॉलिसीज़ को डेवलप करेगा तो उसका इफेक्ट हमारे करिकुलम पे तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए जैसे अगर आप देखेंगे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन लोकल स्टेट एंड नेशनल पॉलिटिकल स्टैंडर्ड, कितना अच्छा है कि वो कितना एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। फ्रॉम डिफाइनिंग गोल्स, इंटरप्रेटिंग करिकुलर मटीरियल टू अप्रूविंग द एग्जामिनेशन सिस्टम, पॉलिटिक्स अफेक्ट द करिकुलम डेवलपमेंट, है ना। वो कहते हैं डिफाइन करने में गोल क्या होगा, करिकुलम मटीरियल क्या होगा, एजुकेशन पॉलिसीज क्या होंगी, इसका डेवलपमेंट, इसका पॉलिटिक्स पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मतलब पॉलिटिक्स का हमारी एजुकेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। वहीं अगर हम सेकेंड फेज देखते हैं, जो सेकेंड सोर्स देखते हैं वो है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक भी हमारी जो है इन्फ्लुएंस करती है डेवलपमेंट में। नेशंस फाइनेंसिंग एजुकेशन एक्सपेक्ट दैट इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम एजुकेटेड स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज इकोनॉमी विद द ग्लोबल कंपटीशन एबिलिटीज इन टेक्निकल फील्ड्स। अगर इसे नॉर्मल शब्दों में हम कहेंगे तो इकोनॉमी क्या करती है, जो नेशन है वो वहीं पैसा लगाता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट वहीं करेगा जहाँ पे रिटर्न्स अच्छे होंगे। तो अगर आपका करिकुलम कंटेंट जो है इससे बड़ा अफेक्ट होता है, क्योंकि हर कोई जब पैसा डालते हैं या हर कोई फंड्स डालते हैं तो वो बेसिकली यही चाहते हैं कि उसका रिटर्न बहुत अच्छा आए। टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो उसका इफेक्ट हमारी एजुकेशन पे भी पड़ता है। कोशिश की जाती है कि बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए, लाइक टैब एक टेक्नोलॉजी थी तो आजकल स्कूल्स में टैब की फैसिलिटीज़ भी हैं। बच्चों को एक टैब पीरियड भी होता है क्लास में, कि बच्चों को हर एक बच्चे को टैब दिया जाता है, उस पर जो उन्हें सर्च करना है या कोडिंग करना है जो भी उनको सिखाया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल की नीड है बच्चों को, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। लर्निंग सेंटर्स एंड क्लासरूम इंक्रीजिंगली प्रोवाइड द कंप्यूटर्स एज रिक्वायर्ड इंटरेक्शन फॉर स्टडीज अमंग स्टूडेंट। देखा आपने कि लर्निंग जो सेंटर्स आजकल क्रिएट हो गए हैं, बन गए हैं क्लासरूम्स में, जो है मोस्ट ऑफ दी टेक्नोलॉजीज, जैसे आप वाइट बोर्ड देखेंगे, आपने देखा होगा जो कि कंप्यूटराइज वर्क करता है, या एजुकेशनल बोर्ड्स होते हैं। टेक्नोलॉजिकल मल्टीमीडिया यूज द इन्फ्लुएंसेस द गोल्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंस अमंग स्टूडेंट्स। सेम वही चीज़ है कि आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी के मल्टीमीडिया को यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट मेथड हो, चाहे प्रोजेक्टर हम लोग लगाते हैं, या हम लोग आप कोई भी कंप्यूटर है, वर्चुअल लर्निंग है, आजकल तो फिलहाल ऑनलाइन लर्निंग है। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। डाइवर्सिटी का इफेक्ट पड़ता है हमारे करिकुलम चेंज में। करिकुलम डेवलपमेंट अफेक्ट द डाइवर्सिटी ओपन्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब हमारे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं तो उसने हमारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया है। सोशल डाइवर्सिटी इंक्लूड्स द रिलीजन, कल्चर, सोशल ग्रुपिंग्स अफेक्ट्स द करिकुलम डेवलपमेंट, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे टीचिंग मेथड्स को। जो हमारा रिलीजन है, जो कल्चर है, जो सोशल ग्रुपिंग्स हैं, वो भी अफेक्ट करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को। इट डेवलपिंग द रेलिवेंट करिकुलम टेक्स इंटू अकाउंट द सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस। सिमिलरली हमारे जो करिकुलम है, हमारी जो सोसाइटी है, वो हमारे करिकुलम से एक अच्छी एक्सपेक्टेशंस करती है। तो दोनों का ही आप देखेंगे, डाइवर्सिटी जो रहती है सोसाइटी वर्सेस करिकुलम, करिकुलम से सोसाइटी, तो इस तरीके से रहती है। जैसे अगर पीछे भी अगर आप नोटिस करेंगे, टेक्नोलॉजीज का एजुकेशन में और जब एजुकेशन का टेक्नोलॉजी में यूज़ किया है, सेम लर्निंग थ्योरीज। अब क्या है लर्निंग थ्योरीज, क्या मैटर करती है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग थ्योरीज करिकुलम को अफेक्ट करती है। बोथ चाइल्ड एंड एडल्ट लर्निंग थ्योरीज विद इन अ साइकोलॉजी फील्ड। अगर आप ये देखिए करिकुलम किस बच्चे के लिए बनाया जा रहा है, अगर आप किसी डिसेबल्ड बच्चे के लिए करिकुलम बनाते हैं तो उसकी नीड्स की और उसकी जो है लेवल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो इसीलिए जो लर्निंग है, जो लर्निंग पैटर्न है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। इट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी मैक्सिमाइजेस लर्निंग विद कॉन्टेंट। ठीक है, डिलीवरी, किस तरीके से आप उस कॉन्टेंट को डिलीवर करते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे समझ में आए। जब आप बच्चों की साइकोलॉजी को एक बार समझ जाते हैं ना, तो एक टीचर को बहुत ही कम समय लगता है बच्चों को कॉन्टेंट डिलीवर करने में। ठीक है, उनको एक्सपीरियंस देने में बहुत ही कम समय लगता है वंस आपको साइकोलॉजी के बारे में पता चल जाता है। एंड द लास्ट वन इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इश्यूज अफेक्ट करते हैं करिकुलम को। टिपिकल एलिमेंट्री क्लासरूम टीच रिसाइकलिंग एंड हेल्दी एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस। बच्चों को रिसाइकलिंग समझाई जाती है ना, एनवायरमेंट से रिलेटेड, कि बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे जितना रिसाइकिल के बारे में समझेंगे उतना ही वो बड़े होकर उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे।
हायर एजुकेशन साइंसेज ऑफर्स एनवायरमेंटली फोकस्ड डिग्री। देखा आपने किस तरीके से करिकुलम जो है अफेक्ट हुआ, जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर आपको इसके ऊपर एक डिग्री भी जो है बच्चों को मिल सकती है एनवायरमेंटली फोकस्ड डिग्री। और जो छोटे बच्चे हैं उनको रिसाइकलिंग सिखाई जाती है, लाइक वेस्ट पेपर है उसे किस तरीके से आप रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हेल्दी जो है एनवायरमेंट प्रैक्टिसेस बच्चों के करिकुलम में डाली जाती है ताकि बच्चे आगे चल के अपने एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट कर सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो इतना ही था इस लेक्चर में, क्योंकि आज हमें करना था सम टाइप्स फैक्टर्स एंड अप्रोचेस, राइट। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम रोल करेंगे कि टीचर का क्या रोल है, स्टूडेंट्स का क्या रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है करिकुलम में चेंज लाने का। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। सो आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। एवरीथिंग इज अप गॉन ऑन अपडेटेड, सिलेबस है ये पूरा, ठीक है। तो इसको जो है आप प्रैक्टिस में ज़रूर यूज़ कीजिए। एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच।